गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इज रजिस्टर्ड विद सेबी एंड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट पुणे। द फंड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ वन ऑफ इट्स ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर्स यूनिट फंड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च 17। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, नेट इनकम दे रखी है, इतनी यूनिट हमने इशू की हैं, इतनी यूनिट्स रिडीम कर दी हैं, पार वैल्यू हमारी 100 रुपीज़ की है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि भाई इसकी एनएवी वैल्यू निकालिए। चलिए करते हैं। ये हमारी नेट एसेट्स थी, ये हमने इशू की हैं, तो इशू रिसीट की एंट्री हम कर लेते हैं, पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं इशूड और यहां पे लिखते हैं रिडीम्ड। तो यूनिट्स की जो नंबर्स हैं वो हमारी 850200752300। पार वैल्यू जो है वो हमारी 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। हम वर्किंग कर रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड में। सो पार वैल्यू ऑफ यूनिट करेंगे तो ये आ गई 85,000 and 75,230,000। सेल प्रोसीड या रिडेम्पशन वैल्यू की बात करें तो 85,020 हमने कितने पे इशू किए हैं, हमने किए 96,500 पे, और इनको रिडीम करिए 71,320 पर। सो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, ये ट्रांसफर कर देंगे हम रिजर्व में, इसमें आ रहा है 11,480 और इसमें आ रहा है 3,910। तो टोटल हो जाता है हमारा 15,390। ठीक है, 15,390 का ये टोटल हो जाता है। अब इन्होंने बोला है ओपनिंग बैलेंस हमारी कितनी थी नेट एसेट्स की, वो थी 12 लाख। ओके, पार वैल्यू हमारी जो आई है ओके, प्रॉफिट भी आ गया हमारा, नेट इनकम भी आ गई। चलिए हमें निकालना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट्स रुपीज इन थाउजेंड। तो हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना था, बारह लाख थाउजेंड था। हमने इशू किए हैं 96,500 की, रिडीम्ड किए हैं हमने 71,320 की, प्लस हमारी
जो नेट इनकम हुई है फॉर द ईयर वो 85,000 की है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,310,180। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस आई है। इसका एक और तरीका है वर्किंग करने का, वो भी समझा देते हैं। कभी कभी आपको बुक में वो भी मिलेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 85,020, यहाँ पे लिखेंगे 75,230। तो ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, फिर इनकम 85,000 प्लस कर देंगे, और जो 15,390 हमारा प्रॉफिट है वो भी आप प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा, तो भी ये 13,10,180 है। फर्क ये है कि इस केस में हमने पार वैल्यू ले ली तो प्रॉफिट अलग कर दिया, और यहाँ पर हमने इंक्लूडेड फिगर ले ली। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को करेंगे अब इसके बाद। थैंक यू।